नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत वाइडी में और हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने कभी कोकोनट खाया क्या? कोकोनट तो आप सभी ने खाया ही होगा, पर क्या आपने कभी कोकोनट का पंच खाया है क्या? आई होप से नहीं खाया होगा। तो खैर, आज खा लीजिए, है ना। आज आपको हम खिलाते हैं कोकोनट पंच, जो कि आपका द रिच कोकोनट टॉफी है। तो इस कोकोनट पंच वाले कैंडी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और दोस्तों लाइक बटन को हिट करने का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो यार दोस्तों लाइक कर दो प्लीज, ओके। तो दोस्तों, अब आपको इस चॉकलेट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हमारे इस वीडियो को। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इस चॉकलेट के प्राइसिंग के ऊपर में। तो दोस्तों, ये जो चॉकलेट है वो आपका ₹1 में मार्केट में अवेलेबल है। और अब दोस्तों हम आते हैं इसकी कंपनी के ऊपर में, जो इसे बनाती है और इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों, इसको जो बनाने वाली कंपनी है, इसकी दो कंपनीज बनाती है। एक है आपका स्वीट कॉन्फेक्शनरीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, और दूसरी जो कंपनी है वो है आपकी लीजेंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी तमिलनाडु से है। और ये तो होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की दोनों कंपनियां। और इसकी जो मार्केटिंग कंपनी है वो है आपकी लॉटी इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी इसको मार्केटिंग में करती है, और लॉटी जो है वो आपकी जो लॉटी चोकोपाई जो आता है उसी की कंपनी है। तो वो कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है। तो बेसिकली ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ओके। और अब दोस्तों हम आते हैं आपके इसके वेज और नॉन वेज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है ये आपका एक वेज प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मार्का दिया हुआ है वेज का। तो ये जो है ये आपका एक वेज प्रोडक्ट है। और दोस्तों, अब जो है हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर में। तो दोस्तों, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आता है आपका शुगर, फिर लिक्विड ग्लूकोज, डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर, फिर इसमें आता है आपका हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट, फिर इसमें आता है आपका मिल्क सॉलिड्स, ह्यूमिकेंट, फिर इमल्सिफायर, फिर आता है आपका इसमें एंटीऑक्सीडेंट, और फिर इसमें आपका जो फ्लेवरिंग रहता है उसमें नेचुरल आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस मिल्क इसमें डाला जाता है। तो दोस्तों, ये थे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब दोस्तों हम आते हैं इसके टेस्टिंग के ऊपर में। तो दोस्तों, अब हम इसे करेंगे टेस्ट। और अगर आपने भी पहले कभी इस चॉकलेट को टेस्ट किया है तो आप मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको ये चॉकलेट कैसा लगा। और नहीं किया या फिर आपने कभी नहीं देखा है तो आज देख लीजिए इस वीडियो में कि ये कैसा होता है। तो दोस्तों, ये है इसकी पैकेजिंग, ओके। तो ये कुछ इस तरह का प्लास्टिक पैकेजिंग है इसमें टॉफी में, और ये इसका अंदर का पेपर रैप। तो गाइस, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके सा है। हालांकि ये कोकोनट के जैसे तो वाइट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। और जब तक हम इसे टेस्ट करते हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा टेस्ट आ रहा है कि जैसे कि चूंकि इसमें आपका डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर डाला गया है, डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर यानी कि कोकोनट को जो सुखा के फिर उसका जो घस के जो उसको पाउडर बनाते हैं तो उसे कहते हैं आपका डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर। तो वो चीज इसमें डाला गया है जिसका भी मुझे टेस्ट आ रहा है, और साथ में जो उसका पाउडर का जो घसा हुआ जो कोकोनट है वो आपका लास्ट में आ रहा है मेरे को अच्छा से। और साथ ही में इसमें क्या है कि दूध भी डाला गया है, मिल्क भी डाला गया है, तो उसका भी थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है। तो बाकी तो आपका टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो अराउंड 95% इसका टेस्ट काफी अच्छा है, और क्वालिटी भी इसका अच्छा है। चूंकि आपका इसमें कोकोनट पाउडर, डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर डाला गया है, तो उससे आपको जब लास्ट में आप खाते हो तब आपको ऐसा लगता है हाँ, आपके मुंह में जो कोकोनट का जो चूरा जैसे पाउडर जैसे वो आता है तो उसे काफी अच्छा कोकोनट का फीलिंग आता है।
तो काफी अच्छा चॉकलेट है, अबाउट 95% ये है, काफी टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी काफी अच्छा चॉकलेट है। और बेसिकली जिन्हें अगर कोकोनट पसंद है, कोकोनट का सूखा हुआ कोकोनट जो रहता है, ड्राइड कोकोनट, वो अगर किसी को पसंद है तो उनको ये चॉकलेट बहुत ही पसंद आने वाला है, अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही में अगर किसी को गीला कोकोनट पसंद है तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो दोस्तों बस यहीं तक था हमारा आज का ये इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, और आई होप सो आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो। तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी और हम आपके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लाते रहेंगे। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में विद न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू चॉकलेट एंड अदर प्रोडक्ट्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।